नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेश और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल विजेश। सर, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डे 9 ईमेल मार्केटिंग बेसिक्स, क्यों इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ईमेल आईडी, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट फॉर क्लिक बैंक मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग, बिल्डिंग योर ईमेल लिस्ट एंड क्रिएटिंग इफेक्टिव ईमेल कैंपेन्स, ये सारी सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा। ईमेल लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी एफिलिएट मार्केटिंग क्लिक बैंक करते हो या दूसरे भी करते हो, ज़्यादातर लोगों का क्या रहता है कि वो स्टार्टिंग में ईमेल मार्केटिंग नहीं करते, वो सोच रहे हैं कि कुछ सेल आएगी या पैसे आएंगे तो फिर ईमेल मार्केटिंग करें, लेकिन ये गलत है। सबसे फर्स्ट में जो भी लैंडिंग पेज बनाओ या फिर करो, तो ईमेल सबसे पहले कलेक्ट करो। मान लो जो बटन दे रहे हो आप, भाई गो टू ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह, वहाँ पे जैसे क्लिक करता है बंदा, पॉपअप विंडो ओपन होना चाहिए, उसके अंदर ईमेल आ जाना चाहिए। और इसके अंदर कौन सा टूल सबसे बेस्ट है उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, उसके बारे में भी थोड़ा बेसिकली बता दूंगा मैं आपको। ईमेल मार्केटिंग इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको, मान लो आपने सेल नहीं किए और आपका बंदा वो ईमेल कलेक्ट दे के गया है, तो बाद में हो सकता है आप ईमेल उसको भेजोगे तो भी कन्वर्ट हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सोच रहे हो, मान लो स्टार्ट कर रहे हो आप और सोच रहे हो कि ईमेल मार्केटिंग कोई मतलब नहीं मेरे लिए, तो वो गलत है। ईमेल मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएसए में लोग ईमेल बहुत देखते हैं, इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में तो आप खुद का भी मेल देखो कितने दिन से टाइम चेक कर रहे हो, मान लो एक मेल चेक कर रहे हो, बाकी मेल आईडी कोई चेक कर रहे हो आप? नहीं, नहीं, वहाँ पे वो लोग ईमेल एक ही बनाते हैं, ज़्यादा ईमेल्स बनाते नहीं, इसके लिए वो अपने ईमेल आईडी को रेगुलरली चेक करते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग एन ईमेल लिस्ट फॉर क्लिक बैंक मार्केटिंग, उसके लिए अच्छे से ईमेल लिस्ट बनाओ। एक प्रोडक्ट के लिए एक ही बनाओ, वेट लॉस प्रोडक्ट करो या फिर जो भी प्रोडक्ट $50 के अंदर कर रहे हो, तो उसके स्पिरिचुअल नीड्स के लिए ओनली फॉर ईमेल एक ही बनाओ, एक ही फॉर्म बनाओ जिसके अंदर ईमेल कलेक्ट हो। तो आपको ध्यान रहेगा ये ऑडियंस मेरी वो ओनली फॉर भाई स्पेशल नीड्स की है, तो इसके अंदर आपको डेटा भी सेव रहेगा, आप उसके अंदर वापस मेल भी भेज सकते हो और उन लोगों को मेल भेजने के बाद भी कन्वर्ट हो सकते हैं लोग, जो मान लो क्लिक नहीं किया, आपको परचेज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपको ईमेल दे के गया वो, तो बाद में वो आपको परचेज कर सकता है। इसके लिए ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक टूल्स की बात करूंगा जो सबसे बेस्ट टूल्स हैं, मुझे ये सबसे बेस्ट टूल्स का, मैं खुद पर्सनली इस टूल्स को यूज़ करता हूँ, गेट रेस्पॉन्स, सस्ता सरल और टिकाऊ, जिसके अंदर एआई भी अभी फीचर्स दे दिया इन्होंने, एआई ईमेल जनरेटर, ईमेल कैसे जनरेट करना है उसके रिगार्डिंग ये ले सकते, यदि चैट जीपीटी से ले सकते हो, बेस्ट ऑप्शन तो है। ठीक है, ऑटो रेस्पॉन्डर है इसके अंदर, और लैंडिंग पेज भी इसके अंदर बना सकते हो, वेबसाइट बिल्डर भी इसके अंदर है, मतलब बहुत सारे फीचर्स इन्होंने दे रखा है। तो मैं इसकी लिंक आपको नीचे दे दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लाकर आप परचेज कर सकते हो। हाँ, जो लिंक दे रखा हूँ मैं, इसके अंदर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने एड चलाई है 5,000 रुपये की, और 5,000 रुपये के अंदर आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट का या जो आपका अफिलिएट लिंक है उसके ऊपर लोग क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको आपने ईमेल कलेक्ट किया है मान लो, तो वो डेटा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। मान लो 5,000 का एड चलाया, मान लो 100 जने ही आए, उदाहरण देता हूँ मैं, 100 क्लिक्स हैं, 100 मैसेज, मान लो आपको 90 जनों ने आपको, उदाहरण दे देता हूँ मैं, 90 जनों ने आपको ईमेल दिया है, बाद में भी आप उनको मेल कर सकते हो, और हो सकता है उसमें से 100 जने से मात्र 1% भी मान लो करें या 2% भी करें, तो 4-5 लोग तो करेंगे ही करेंगे मिनिमम। तो मैं तो एक लोग ही करेंगे, तो 5,000 का मान लो जी $150 का प्रोडक्ट है या $50 का कोई प्रोडक्ट है, तो अभी आपके 5,000 वेस्ट नहीं गए, आपके पैसे आ गए वापस। कितना इंपॉर्टेंट है ईमेल लेना, इसके लिए ईमेल लो। वो लोग ईमेल देने के लिए, ऐसा नहीं है कि ईमेल नहीं देते, वो लोग ईमेल देते हैं। इसके लिए बिल्डिंग योर ईमेल लिस्ट, एक ईमेल लिस्ट बनाओ, हर प्रोडक्ट की अलग ईमेल लिस्ट बनाओ, इससे बेटर रहेगी, आपको पता रहेगा ये प्रोडक्ट ये है। मान लो ज़्यादा कचरा बिल इकट्ठा कर लिया आपने, फिर मेल भेजोगे तो लोग आपको स्पैम में डाल देंगे या फिर ब्लॉक कर देंगे, तो इसके लिए ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। ईमेल मार्केटिंग कितनी पावरफुल है, आप कितने सोच रहे हो, क्या सोच, आप सोच भी नहीं सकते इतनी पावरफुल है। मान लो आपके पास 10 लाख डेटा है और 10 लाख लोगों को आप हर रोज, मान लो 10,000 लोगों को ईमेल कर रहे हो, और उसमें से मान लो 10,000 में से 1% ही कन्वर्ट हो, 100 बंदे मान लो कन्वर्ट हो रहे हैं, 10,000 में से 100 बंदे ओनली फॉर, तो फिर आप 100 बंदे से काउंटिंग कर लोगे, 100 बंदे से $50 का आपका प्रोडक्ट है, कितने प्रॉफिट हुआ काउंटिंग करके देख लो आप, 50 × 100 $5,000, कितना पावरफुल है ईमेल मार्केटिंग। इसके लिए एक अच्छी सी ईमेल बनाओ, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग ईमेल, एक साथ के इकट्ठा मत कर कचरा, क्योंकि ईमेल जो आपने सॉफ्टवेयर मान लो परचेज कर लिया है, और पेड सॉफ्टवेयर से ही आदमी आगे बढ़ सकता है, आप फ्री के सॉफ्टवेयर यूज़ करो वगैरह वगैरह, फिर बाद में आपको ये दिक्कत वाली बात हो, फिर बाद में ये ईमेल लिस्ट सेव करना वगैरह वगैरह, इधर से उधर करना वगैरह वगैरह, ये सारे होते हैं। इसीलिए यदि टारगेट लेके चल रहे हो और काम करना भी है, तो फिर इस तरह से काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा काम करना, एक वे से काम करना चाहिए, ईमेल का काम करना है, मतलब एक वे से। ये ईमेल मार्केटिंग फिर क्यों है क्लिक बैंक के साथ या फिर अपने मार्केटिंग के साथ या हर चीज़ के, ईमेल क्यों लेते हैं, इसके लिए ही ईमेल लेते हैं, उसके पास डेटा है,
डेटा है, उसके पास सब कुछ है। क्रिएटिंग इफेक्टिव ईमेल कैंपेन्स, उसके बाद मान लो आपने ईमेल कलेक्ट कर ली, मान लो 1000 ईमेल भी आपने क्रिएट कंप्लीट कर ली, ठीक है, आपके पास 1000 ईमेल है। अब 1000 ईमेल में से आप पर डे 100 ईमेल, 100 लोगों को ईमेल भेजो, और उसके अंदर चैट जीपीटी अच्छा सा सुंदर सा एक ईमेल लिखो और उसके अंदर एक लिंक दे दो। ज़्यादा नहीं लेना, एक मेल आज भेजा है, वापस आप 10 दिन बाद में एक मेल भेजो, या 15 दिन बाद भेजो, या 1 महीने बाद भेजो। मान आप आज भेजा कल भेजा, दो हर रोज मेल भेजोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में कर देंगे, फिर नुकसान किसको, आपको होगा, आपका मेल लिया गया। तो एक मेल मान लो आप शुरुआत में आपने आज भेज दिए, तो उसको 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, उसके बाद एक मेल भेजो उनको, और ऐसा मेल भेजो इट अट्रैक्टिव, जिससे उसको लगे कि भाई हाँ क्या चीज़ है, मैं देखूँ उसके अंदर जाके लिंक है। ये अट्रैक्टिव लिखाने के लिए अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, चैट जीपीटी वो AI आपको लिख करके दे देगा। ईमेल के अंदर भी AI ईमेल जनरेटर, मैंने आपको बताया नहीं था, आपको वापस बता देता हूँ एक बार, ये देखिए प्रोडक्ट, ये देखिए AI ईमेल जनरेटर, ईमेल जनरेट करके देगा। इसके लिए ईमेल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो भी यदि एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या फिर शुरुआत कर रहे हो, तो आपको ईमेल हर एक लैंडिंग पेज के अंदर फर्स्ट में ईमेल सेटअप करना ही है आपको। तो इस वीडियो में हमने सीखा ईमेल लिस्ट कैसे बनाना है, इंपॉर्टेंस कितना है ईमेल, और ईमेल की लिस्ट है जो अलग अलग प्रोडक्ट की बनानी है, कौन सा प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग आपको बनानी है, क्रिएटिंग इफेक्टिव ईमेल्स कैंपेन, जो कैंपेन है बाद में मान लो आपके पास डेटा आ गया है और आपको लग रहा है कि मेरे पास मान लो 500 मेल भी आ गए हैं, तो रोज़ की 100 100 मेल करके आप 5 दिन में ख़त्म कर सकते हो, और उसके बाद 1 महीने बाद उसकी और मेल करो, 1 महीने बाद कन्वर्ट हो सकता है मान लो, लेकिन डेली नहीं भेजना है उनको। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो जो आपको अच्छा लगा, आपका कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में आपको नॉलेज मिली है या नहीं, या आपको कैसे लगे। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी लेके आऊँगा, और यूट्यूब वीडियो यूट्यूब के ऊपर बने रहने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत थैंक यू।